हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ग्रुप डी के जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में फ्रेंड्स 80 तक के प्रश्न को पढ़े थे, आज हम लोग इस वीडियो में 81 से आगे चलेंगे। ठीक है, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। चार ऑप्शन दिया गया है। एक समान वृत्तीय गति में पहला ऑप्शन है वेग वातावरण दोनों ही नियत रहते हैं, त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं जबकि वेग परिवर्ती होता है। तीसरा ऑप्शन है त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। चौथा ऑप्शन है त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत रहते हैं। 81 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती रहते हैं। सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बुक देखे आप थंबनेल में उस बुक का पूरा हम लोग एग्जाम से पहले सारे प्रश्न को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचा उछलती है क्योंकि। क्या होगा सही जवाब? टेनिस की गेंद जो है मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है क्यों, इसका क्या कारण है? तो मैं इसका आपको सही जवाब बताता हूं फ्रेंड्स, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है कम हो जाता है। क्या है? पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है कम हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? यह पृथ्वी के निकट है क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। अगला है ऑप्शन, क्योंकि यह गैसों के अणुओं का प्रायण वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग के मान से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? 23 का 4 हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल या फिर नाभिकीय बल। 84 का सही जवाब हो जाएगा, 84 का सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है? बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है? पहला ऑप्शन है, यह भार बताने में सहायक होता है अतः वस्तुओं को उनके भार के अनुसार बेचना संभव होता है। अगला है, हम पृथ्वी के घूर्णन का अनुभव नहीं करते हैं। अगला है, यदि यह न होता तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के द्वारा हम फेंक दिए जाते और हम लटके होते या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, यदि यह न होता तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न केंद्रापसारी बल जो है के द्वारा हम फेंक दिए जाते हैं और हवा में लटके होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है या क्यों उठ जाता है? यह क्वेश्चन है, नदी से निकलकर जैसे ही वह समुद्र में प्रवेश करती है जहाज तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है क्यों? तो इसका जवाब आप सभी को पता होना चाहिए, चूंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है अतः वस्तुओं को ऊपर की ओर उछालने वाला बल भी अधिक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, 87 है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कथन सही होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जो है अचानक लुप्त हो जाए, क्या हो जाए? अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दूसरा ऑप्शन है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। अगला ऑप्शन है, वस्तु का द्रव्यमान एवं भार दोनों शून्य हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। 87 का पहला हो जाएगा सही जवाब, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर विशेष वृत्तीय कक्षा में विभिन्न द्रव्यमानों के 2 कृत्रिम उपग्रह घूम सकते हैं। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष वृत्तीय कक्षा में विभिन्न द्रव्यमान के 2 कृत्रिम उपग्रह घूम सकते हैं, नियत चाल से, नियत संवेग से, नियत गतिज ऊर्जा से या फिर असमान वेग से। तो 88 का पहला जवाब हो जाएगा नियत चाल से। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ में नियत चाल से चलने वाला एक मोटरसाइकिल सवार, सही जवाब क्या होगा? फिर से पढ़िए, वृत्ताकार पथ में नियत चाल से चलने वाले एक मोटरसाइकिल सवार डॉट डॉट, मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? मोटरसाइकिल सवार का रैखिक वेग नियत होता है, त्वरण नियत होता है या क्या होगा सही जवाब? तो 89 का मैं आंसर बताता हूं आपको, वृत्ताकार पथ में नियत चाल से चलने वाले एक मोटरसाइकिल सवार के त्वरण का मान तो नियत होता है किंतु इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि स्थिर गाड़ी की छत से लटके हुए लोला का आवर्तकाल टी है। अब गाड़ी त्वरण ए से गतिमान होती है तो लोला का दोलन काल क्या होगा? चार ऑप्शन पढ़िए और सही जवाब दीजिए। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्थिर गाड़ी की छत से लटके एक लोला का आवर्तकाल टी है। जब गाड़ी त्वरण ए से गतिमान होती है तो लोला का दोलन काल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अप्रभावित रहेगा, अनंत हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का आप सभी को इसका सही जवाब पता होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब घोड़ा तांगे को खींचता है तो तांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? क्या क्वेश्चन है? जब घोड़ा तांगे को खींचता है तो तांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी पर घोड़े के पैरों द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण। 91 का 4 हो जाएगा। पृथ्वी पर घोड़े के पैरों द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर? पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह के दिए गए वेग पर, सूर्य से उसकी दूरी पर। 92 का पहला जवाब हो जाएगा कक्षा की त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कॉपरनिकस। 93 का केपलर हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? ये फ्रेंड्स इस प्रश्न का जवाब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, क्या है ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्यों गिर जाता है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए, शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, या एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, तीसरा है, यात्री अपनी सावधानी से धक्का खाता है, असावधानी से धक्का खाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, शरीर का निचला भाग जो है रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जो है जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए झुक जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, या ऊर्जा क्या होती है? घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, या ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, 60 दिन, 365 दिन, निश्चित नहीं रहता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 96 का हो जाएगा 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अंतरिक्ष यान से किसी वस्तु को गिराया जाता है तो वह, यदि एक अंतरिक्ष यान से किसी वस्तु को गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगी, अंतरिक्ष यान के साथ उसी के चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करती रहेगी, या फिर दो और ऑप्शन है, अंतरिक्ष में पलायन करेगी, या फिर चंद्र तल की ओर जाने लगेगी। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड 97 का हो जाएगा। 97 का सही जवाब हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करती रहेगी। याद रखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 98, एक वस्तु का भार अधिकतम कहां होता है? वायु में, जल में, हीलियम में, निर्वात में। एक वस्तु का अधिकतम भार होगा 98 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 98 का दूसरा, जल में होगा। अगला कहाँ होगा? जल में। अगला क्वेश्चन, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दोगुना पृष्ठ क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दाब हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दोगुना पृष्ठ क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दाब हो जाएगा। चार गुना, आठ गुना, दो गुना, अपरिवर्तित रहेगा। तो 99 का पहला जवाब हो जाएगा चार गुना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें गर्म होती है क्योंकि बादल क्या होगा? सही जवाब, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। तो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।